मुझे पता ही नहीं था, मैं पूछता जा रहा हूँ, जब नहीं तो प्रदीप भाई ने फोन नहीं उठाया और किसी ज्यादा का फोन नंबर, त्यागी का फोन नंबर मेरे पास था तो मैंने त्यागी जी को फोन किया तो सब पता चला कि आपको पता नहीं है, मगर ना मुझे तो पता नहीं है, मैं तो वहीं आ रहा हूँ, अब वहाँ से वापस तो आना मजबूरी है। लेकिन ये हुआ कैसे, थोड़ा ऐसा तो हो गया, थोड़ा ये लगा कि ये तरीका ही गलत था और आप लोगों ने आकर के यहाँ ले क्या लिया था और रात को आके आप करते हैं क्या जागरण पे, समझ में नहीं आई बात। अगर जाना है तो जब हम भेजेंगे, जब अपनी बहादुरी दिखा देना, देख लेंगे किसमें कितना दम है, वक्त आएगा वो तो उस वक्त पर हम देखेंगे। तो आदमी अपने आप में पिट जाता है, वो पूरे मोमेंट खराब करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह के दिमाग के लोग जो बहुत गर्म बोलते हैं, एक और बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो आप जो निर्णय करेंगे, अगर कुछ भी करेंगे ना, मेरी मजबूरी है आपके साथ रहना। मजबूरी क्या है कि मैं वर्किंग क्लास का आदमी हूँ, दिमाग वर्किंग क्लास का है, मेहनत कश कर्मचारियों के साथ दिमाग है रहा हूँ, तो आप गलत में निर्णय लोगे तो मैं साथ रहूंगा, समझाऊंगा तो जरूर गलत है, ये तो जरूर बताऊंगा कि फैसला गलत है तुम्हारा, लेकिन चूंकि तुम्हारा सबका फैसला है इसलिए मैं साथ हूँ, वो तो मैं करूँगा। ये मैंने करके भी देखा है, मैं उसी गिरिजनों के पास कर रहा हूँ आपको, इसी तरह की घटना में लोग में बड़ा जोश था, वो पहले सीटू के पास गए, ओ तक के पास गए, उन्होंने साल भर उनके पास रहे, एक साल में उनका कोई उन्हें सम्मानजनक नहीं हो पाया, फिर वो सीटू के पास चले गए, तो सीटू के लोगों ने भी एक्सप्लोर तो किया, पता नहीं क्या क्या किया, वो तो वही बताएंगे। मैं तो उनके पास केवल ये कहने गया था कि देखो, झंडा किसी का हो, नेता कोई हो, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, मेरे सहयोग और समर्थन की जहां तुम्हें जरूरत हो मैं आपके साथ हूं, आपको सपोर्ट करूंगा, चाहे सीटू को जिंदाबाद करवा लेना, चाहे एचक को जिंदाबाद करवा लेना, और मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। लेकिन चूंकि ये आंदोलन है, सफल होना चाहिए, एक आंदोलन पिट जाता है तो आसपास के लोगों में गलत मैसेज जाता है, हमारी ताकत कमजोर होती है, हम जीतेंगे तो आसपास के लोगों में मैसेज बढ़िया जाएगा और वो जीतने की तरफ जाएंगे, और भी संगठन बनेगा और जहां तक करोगे, तो इसलिए हमें तो सपोर्ट करना ही करना है, हमारा एक उद्देश्य है, इसमें झंडा हमारा हो किसी और का हमें नहीं फर्क पड़ता। तो ये उनको समझाने गया था, ये समझा दिया, कुछ दिन बाद पता चला कि सीट को से हट करके वो लोग कहने लगे, सुरेश साहब आप ही आ जाओ यहाँ, अरे हमने तो उनसे पूछो और ये काम करवाओ, मैं लिख के दे देता हूँ लेटर, कोई उससे पूछ लो और उन सीट वालों से ही काम करवाओ, उनका ही नेतृत्व मानो।